लेकर प्रभु का नाम भी
जो अपने मन और बुद्धि के घाट पर बैठ के कुछ नहीं कर सकता। तो दो महात्माओं की कृपा से आज जो कुछ थोड़ा बहुत सत्संग और भक्ति का जो मार्ग मिला है और सत्संग चल रहा है ये उनकी हृदया में है, इसलिए हम उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत नमस्कार करते हुए सत्संग की तरफ आते हैं। क्योंकि बाबा सोमनाथ महाराज और बाबा अजय सिंह महाराज जी का जीवन चरित्र एक ही जैसा है। दोनों मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और मूल नक्षत्र में पैदा हुए लड़कों के लड़के का मुंह माँ बाप देखते ही ज्यादा दिन नहीं बसते थे। वैसे ही इनके माँ बाप की भी साया दो दो तीन तीन महीने में ही इनसे उठ गई। हालांकि इनके दोस्तों ने पालन किया और बहुत तकलीफ में, हालांकि सोमनाथ महाराज एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे, उनका जीवन बहुत गरीबी में बीता हुआ था, लेकिन अजय सिंह महाराज का जो पालन किए उनके मां के भाई ने, वो एक बड़े जमींदार थे, सैकड़ों एकड़ के मालिक थे और वो अजय सिंह महाराज जी के ऊपर ज्यादा प्रेम था और चाहते थे कि खेती करे, घुड़सवारी करे और ऐसा आराम की जिंदगी बसर करे, लेकिन आपके भाग्य में तो वैराग्य लिखा था और इन सब से बचने के लिए आपने घर मकान छोड़ के छोटे उम्र में 14 साल के उम्र में जाकर मलेरिया में भर्ती हो गए और वहां बहुत कठिन साधन करते हुए आपने मलेरिया की ड्यूटी की, हर तरह का अभ्यास, हे राम हे गोविंद का जाप किया, जैसे जैसे महात्मा मिले वैसे वैसे किया, पंचध्वनि रमाई, जलधारा भी किया, सब करके भी शांति नहीं आई। जब बाबा विश्वनाथ जी मिले और उन्होंने 200 के का भेद दिया तब जाके प्राणायाम साधन से जुड़ गए और 15 साल प्राणायाम साधन किया। ऐसे ही बाबा सोमनाथ महाराज 17-18 साल बहुत कठिन साल प्राणायाम किए और बाद उत्तर इंडिया में घूमते घूमते, क्योंकि उनको कामिल मोक्षित पुरागुरु का शोध था और घूमते घूमते जब बाबा श्याम सिंह महाराज मेरे व्यास में तब जाकर तसल्ली आई और वहां पे आपने 7 साल कठिन सेवा की और सत्संग भी करते थे। आपको श्याम सिंह महाराज ने भंडारी का काम दिया था, जो नए लोग आते थे उनको खाना बनाकर राशन देने का काम, खाना बनाने वालों को राशन देने का काम करते हैं। इस तरह से 7 साल सेवा करने के बाद महाराज ने वहां पर कुछ उड़ते हुए देख के कहेंगे आपको दक्षिण प्रांत की भाषा आती है, आप जाके वहां संत मंत्र का प्रचार करो, तो वही गुरु बाहु को मान के पहले आप बॉम्बे में आए और महाराज ने कहा था कि जैसे पहले मान के खा के अपना काम चलाते थे वैसे नहीं करना, मेहनत की कमाई करके खा के सत्संग चलाना। तो बाबा जी ने बॉम्बे आके जो आपको किराए में पैसे बचे थे उसे एक टोकरी और चना भूजा वाली के उस पर एक गर्म लकड़ी की हाड़ी रख के पेट पे बांध के जो चना बेचते समुद्र के किनारे चना बेचा। बाद में किसी प्रेमी ने देखा महाराज बड़े हफ्ते करते हैं चना बेच रहे हैं, उस समय इनकी 35-40 साल की उम्र थी, तो उन्होंने ले जाके आप मिल में काम करोगे, बोले हाँ, तो उनको मिल में ले जाके काम दिलवा दिया। उसमें नए नए मिल खुले थे, बहुत कम लोग मिलते थे, तो इनको 6 महीने ट्रेनिंग में गया कपड़ा बोलने का साचा चलाने का, 6 महीने ट्रेनिंग में गया, बाद में काम का पगार मिलने लगा। तो आप 8 घंटा मिल के नौकरी करके आने के बाद साइकिल पे
ले जाते थे शाम को गली गली में, और इस तरह से रात दिन मेहनत करके कुछ पैसा कमा के और उसी पैसे से उन्होंने वहां पे दुकान लिया नाटा में छोटा सा, लेकिन गुरु की कृपा थी वो बढ़ते बढ़ते बड़ा दुकान हो गया। और आप ज्यादा लाभ नहीं लेते थे, आपके यहाँ से और बेचने वाले भी आके लेके जाते थे। इस तरह से वहां पर फिर सत्संग चालू किया। करते कुछ दिन के बाद में आपने जो दुकान में कपड़े थे खाली कपड़ा बेच के 60,000 का संगत दे दिया, और उसी पैसे से आपने केंगेली में वो जगह जो 111 एकड़ 45,000 में आपने रजिस्टर किया और 10,000 रजिस्ट्रेशन खर्च आया, 55,000 में वहां लगा और जगह लिया, और फिर वहां पे आप सब मनाए करते हैं कि अपने गुरु को अर्पित कर दिया, सावन दरबारा सब नाम रखा करते वो गुरु की कृपा थी। अब फिर वहां से धीरे धीरे सत्संग आपका बढ़ने लगा, दावनगिरी दालेश्वर सिरसी उंगली वाई महाराष्ट्र में कोयटा और इधर निजामाबाद किसान नगर करते इस तरह से जगह हुगली जगह जगह से 14-15 स्थान हो गए। तो करते ये सब गुरु की कृपा। इस तरह से हम कहते हैं कि अजब सिंह महाराज भी उसी तरह से 15 साल प्राणायाम साधन किए। बाद में जब कृपाल सिंह महाराज मिले उन्होंने शुभ शब्द का अभ्यास दिया, तब वो जाकर सतलोक सत्खंड गई और आप संतोलन का प्रचार करने लगे। तो कहने का मतलब है दोनों महात्माओं का जीवन तपस्या से भरा हुआ है। आपको सब कुछ होते हुए भी आप अपने मन को भक्ति की तरफ मोड़ा और आप उस मालिक के आप में बिताया। तो कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने तकलीफ उठा के आज उस सत्यनाम का बीज जो हमारे दक्षिण प्रांत में सोमनाथ महाराज ने डाला है, हम सबका भी फर्ज होता है उस बीज की परवरिश करें, उसको सींचे, भक्ति के बीज को बढ़ाएं। अगर हम भजन सुमरण नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, तो हमारा भक्ति का बीज कमजोर होते जाएगा, सूख जाएगा। तो कहते हैं उसको सत्संग रूपी पानी भजन सुमरण रूपी खाद डालते ही रहना चाहिए, जिससे हमारा भक्ति का बीज बढ़ते जाता है और एक दिन हम गुरु के कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो इसलिए दो महात्माओं की कृपा से है, जो कि हमको महाराज सोमनाथ महाराज जी के समय काल में खाली 3 साल ही दर्शन मिला, सेवा मिली, और बाद में 5 साल तक और भी आश्रम में रहे, 8 साल तक सेवा किए, लेकिन उनका समय काल 3 साल ही मिला। और वो शरीर छोड़ने के 4 दिन पहले ही सारा आंध्र की तरफ दिया था कि जाओ पहाड़ का हल तैयार हो गया है, ट्रैक्टर जा रहा है, तुम जाओ देख के आओ, बाद में मुझे जाना है, फिर जाने के बाद तुम्हें ड्यूटी करना पड़ेगा। लेकिन उस समय हमारी छोटी उम्र थी, हमारे समझ में नहीं है। वही बात राजा सिंह महाराज कहते हैं कि 85 में जब पहली दफा मैं बॉम्बे कच्ची लोहारवाड़ी में दर्शन के लिए गया, तो वही बात उन्होंने खुला करके समझाया कि राम सिंह तुम बनाओ जाने का ख्याल छोड़ दो, तुमको आंध्रा में रहना है, बाबा सोमनाथ महाराज ने दो पेड़ लगाए उसको पानी देना है, तुम्हारी ड्यूटी है। मैं बाबा जय सोमनाथ महाराज की कृपा से कहता हूँ, उन्होंने ड्यूटी मेरी लगाई और बहुत कुछ बताया। मैं रोते रहा क्योंकि हमारा ख्याल नहीं था इस तरह पानी का, और वो बोलते गए, और इस तरह से मुझे डर पैदा हुआ अगर संतों का हुक्म अधूरी करेंगे तो जिंदगी में सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए फिर मन को मोड़ के महाराज ठीक है, मैं आपका बात मानता हूँ, मैं आंदोलन में जा रहा हूँ। तो उनकी छोटी सी जो एक बात मान के हम आंदोलन में आकर बैठे, तो ये सब जो आज देख रहे हैं ये दो उन महान आत्माओं की कृपा है जो कुछ बना है। तो कहते हैं भाई इस तरह से गुरु का हुकुम सबसे ऊपर होता है, वो जो कहता है उसका पालन करना हम सबका फर्ज होता है।
गुरु नामदान के दिन क्या करता है, ढाई घंटे का भजन सोता है, ज्यादा नहीं ढाई घंटे, 24 घंटे का दसवां हिस्सा आप अपने भजन सोमन के लिए टाइम दो। अगर हम उतना समय नहीं देंगे तो गुरु की कृपा हमें कैसे मिलेगी। तो हम सबका फर्ज होता है दुनियावी कारोबार के साथ साथ दो ढाई घंटे हम भजन सोमन के लिए भी टाइम दें, क्योंकि ये अपने अपना सच्चा काम है, ये अपने आत्मा के उद्धार के लिए ही, हमें इस दुख से छुटकारा पाने के लिए ही परमात्मा ने ये मानव शरीर का समय हमें छोटा सा दान दिया है। अगर हमने इसमें भक्ति नहीं किया तो करके सब करके कोई फायदा नहीं। तो ये कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब भी कहते हैं कि किस तरह से अपने मन को उस भक्ति से जोड़ के रखना है, क्योंकि हमें शंका होता है कि हम संसारी हैं, बाल बच्चे में रहना होता है, खेती गृहस्थी करना पड़ता है, नौकरी धंधा करना पड़ता है, हम किस तरह से इसमें रह के भक्ति कर सकते हैं। तो संतों ने तरह तरह के उदाहरण देके हमें समझाने की कोशिश की है। तो कहते याद यदि मन को लगावे, तो इस तरह से अपने मन को उस नाम के साथ जोड़ के रखे, तो वही और तरह तरह के उदाहरण देके आप समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्योंकि उसको भी खाना चाहिए, भोजन चाहिए, तो
जहां जिस पेड़ के नीचे रहता है उसी पेड़ से बाहर आता है, रात को जो वातावरण शांत हो जाता है शाम बाहर आता है, देखता है वातावरण शांत हो गया, हवा भी बंद हो जाती है, अब कोई प्राणी का कोई आवाज नहीं, तो अपने माइंड को निकाल के रख देता है और उस माइंड में एक ज्योति का प्रकाश होता है, माइंड के अंदर एक ज्योति का पूरा प्रकाश होता है, इसलिए राजा महाराजा उसको अपनी क्रीड में धारण करता है, बीच में अंधेरे में भी जाने तो प्रकाश हो जाता है। तो वो उजाले में जहां उजाला होता है वहां पे किले में पड़े आके गिरते हैं उजाले के कारण से, और वो अपना उसको आहार बनाता है, उस किले में पड़े को खाता है, खाते खाते दूर भी जाता है, लेकिन उसका लक्ष्य उस माणिक के लिए होता है, माणिक उसका ज्ञान होता है। तो ये माणिक लेने वाले लोग क्या करते हैं, माणिक को प्राप्त करने वाले शिकारी लोग एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन देखते हैं कि किस पेड़ के नीचे उजाला होता है, रोज रोज एक दिन देखा उसी पेड़ के नीचे, दूसरे दिन देखा उसी पेड़ के नीचे, मालूम हो गया कि इधर है मणिधारी सर, तो दिन में उसको निशान लगा के चले जाते हैं और शाम को अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं और एक थैली में कीचड़ भी उठा के लेके आते हैं और आके शस्त्र लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, और जब ऊपर चढ़ के धीरे धीरे जहां पे सांप निकल के आके बैठता है, शिकार खेलता है, घूमते जाता है माणिक रख के, तो माणिक के ऊपर वाले डाल पे आ जाते हैं निशब्द से, एक ही आके एक तो सांप बहुत जहरीला होता है, वो काटे तो कोई बच नहीं सकता है, इसीलिए वो ऊपर करते हैं और उसी सिर में आके जहां वो माणिक का प्रकाश दिखाई देता है उसी को कीचड़ एक ही दफा में छोड़ देते, सांप थोड़ा दूर जाकर देख के उसी के ऊपर छोड़ देते हैं, और वो उसमें कीचड़ में उसके ऊपर कीचड़ गिरने से वो जला बंद हो जाता है। अब सांप को बड़ा गुस्सा आता है, वो आके हमारा माणिक ले लिया, अब वो का आवाज करता है, बड़ा दुखी होता है, कभी यहां कभी वहां भागता है, सब जगह दौड़ दौड़ के थक जाता है, जब माणिक नहीं मिलता है तो आके उसी पेड़ को अपना सिर मार मार के मर जाता है, क्योंकि माणिक के बगैर सांप जिंदा नहीं रहता है, उसी पेड़ को अपना सिर मार मार के वो मर जाता है। तो ये लोग उजाला होने तक ऊपर बैठ रहते, इतना भी सेहरा सांप होता है डर के मारे, जब उजाला हो जाता है सब तरफ प्रकाश आ जाता है, ऊपर से देखते हैं कि सांप मर गया, तब नीचे आते हैं और उस कीचड़ को लेकर भागते हैं, उस कीचड़ के अंदर वो माणिक उसी में घुसा होता है और ले जाकर उसको धो के उसको बेचते हैं, बड़ा कीमती होता है। तो कहते इस तरह से माणिक सांप चलता है दूर भी जाता है, ओस भी चाटता है, कीड़ा भी पकड़ खाता है, पानी भी चाहिए तो घास के ऊपर जो ओस पड़ा होता है उसको ही चाटता है और कीड़ा भी खाता है, दूर भी जाता है, लेकिन उसका लक्ष्य माणिक पे होता है और माणिक जाने के बाद वो सांप बचता है और इस तरह से अपना जान गवा बैठता है। तो कहते हैं कि ऐसे जैसे मणिधारी सर्प चारा भी चलता है, दूर भी जाता है, लक्ष्य माणिक के ऊपर होता है। कहते हैं ऐसे एक प्रेमी को एक शिष्य को सब कारोबार दुनिया में करना चाहिए और लक्ष्य नाम पे होना चाहिए, क्योंकि हमें शंका होती है ना कि भाई हमारे को बहुत काम धंधा रहता है, हम संसारी हैं, गृहस्थी हैं, हमारे को सब तरफ देख रेख करना पड़ता है, कैसे हो सकता है। तो इसीलिए कबीर साहब उदाहरण देते हैं किस तरह से सब कारोबार करो लेकिन आपका लक्ष्य नाम से जुड़ा है, तो आपका यह रूप और पर्व दोनों बन जाता है। जैसे कामी बैल को पजन कर छोड़े बरदावे, जैसे कामी बैल को पजन कर छोड़े बरदावे,
हमने पहले भी छोटा सा उदाहरण दिया था कि उत्तर भारत में आयुष के समाज वहां मौजूद है, यूपी में एक प्रतिवक्ता थे, उसका नाम तो बोल रहे हूं, और वो जो है अभी नया नया शादी होके आई थी और उसका करीब ऐसा 6-7 महीना हुआ था, उसका पति बीमार पड़ गया। पहले क्या था, मलेरिया टाइफाइड ऐसे वैसे आते थे, नर्सिंग होम हॉस्पिटल में होते थे, बचना भी मुश्किल होता था क्योंकि बैल तो एक बैल कितना लोग को देखेगा। तो कहते इस तरह से जब वो बीमार में 10-12 दिन चला, उसको पेचिस और उल्टी, पेचिस उल्टी वो दस्त हो गया उसका पति, तो एक दिन वो अपने सास से कर दिए कि देखो अभी खाली 2 दिन ही रहेगा, पति के बारे में अभी खाली 2 दिन ही रहेगा। सास तो बड़ा गुस्सा है, ये कैसी औरत है, पति जिंदा है और एक पति को मार रहे करके 2 ही दिन रहेगा, बहुत बड़ा बुरा था। और ऐसा ही हुआ, ठीक दूसरे दिन वो शरीर छोड़ गया। तो बाद में उसने क्या किया कि पति के बगैर अब हमारे यहां रह के क्या फायदा है, तो उसने क्या किया, हमने चूड़ी उड़ी खोला नहीं और भी हार श्रृंगार किया, जो शादी के समय का साड़ी पहना कीमती और सोने चांदी का जितना उसका देवर वेवर था सब पहन लिया, जैसे शादी में कपड़े पहनते हो, हार श्रृंगार किया, सिंदूर भी डाल लिया और सब कुछ टिकली उकली सब करा के तैयार हो गई। और सास गांव के लोग गुस्सा कर रहे हैं कि पति गुजरने के बाद जो चूड़ी फोड़ लेते हैं और ये सबसे दूर रहते हैं, कैसी औरत है, नया साड़ी पहन के श्रृंगार विंगार करके बैठी हुई है। तो कहते नहीं, मुझे अपने पति के साथ जाना है। तो उस समय क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सती प्रथा बंद किया और पंचायत प्रेसिडेंट को बहुत हिदायत दिया था, अगर कोई भी जला तो उनको जेल होने का था, वो तो बड़ा शक्ति बंद कर। तो ये जय देवी नाम था उसका, जय देवी, आज उसकी वहां पे समाधि जो पूजा करते हो देवी मानते उसको जय देवी। तो बाद में वो जब वो पति को उठा के ले गए, ये भी गई वहां पे चिता लगाए थे, वो चढ़ के चिता पर बैठ गई और कहते लगे पति का स्वरूप मुझे दे दो, मैं जल दू। प्रेसिडेंट करता नहीं, गवर्नमेंट का हुक्म है, मैं तुम्हें जल नहीं दे दूंगा, नहीं मेरी नौकरी जाएगी, मुझे जल होगा। वो बोलते नहीं मुझे जलना ही, क्योंकि ये आग देने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उन लोग लगा देता प्रेसिडेंट का, सबको मना कर दिया कोई आग नहीं ला कर दे, तो वो कोई भी आग ला कर देने के लिए तैयार नहीं। तो बात उसका एक देवर है जो उसको बहुत मानता था, उसको बोला और उसके कान में कहा कि जा तो आग लेके आ जा। वो भागने लगा, उसको भी पकड़ के खंभा से बांध दिया, पेड़ से बांध दिया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया सती को, क्यों तुम हमें जलने दे दोगे, बोलने गवर्नमेंट का हुक्म है, मेरी नौकरी जाएगी। तो बोला अच्छा ये तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, बोलते हाँ, अच्छा देख तेरा हालत खराब हो जाएगा भी। तो उसने क्या किया, अपने पति के कान में कुछ बोला और ऐसे उसकी तरफ देखा तो उसको शरीर में जलन 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 होके पंचायत प्रेसिडेंट को नीचे गिर गई, छटपटा ले लगा। कुछ लोग भाग के जाके उसके औरत को बोले देखो वो तो विधवा हो गए थे और तुम्हें भी विधवा बना रही, तुम्हारा पति जा रहा है। वो भाग के आई, हाथ जोड़ने लगी कि माता माफ कर दे, इसको मालूम नहीं है
ये बंदर में है, कानों में ऐसा है, तो माफ कर मेरे को विधवा मांगता है। और बहुत कुछ भी मांगने लगी, प्राण दान कर उसके लिए, उसके ऊपर समझदार थे। तो बाद उसको दया आ गया, तो फिर पति के कान में कुछ गुनगुनाया, फिर उसके तरफ देखा वो ठीक हो गया। देखो प्रतिबद्धता का पावर है सब। तो बाद में वो घी लेके आई थी पहले ही, तो उसने क्या किया, घी सब अपने शरीर पे उधेड़ दिया, साड़ी पे अपने ऊपर अपने पति को सब घी लगा दिया, और सब लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। तो फिर प्रेसिडेंट से कहता है क्या तो आग ला के देने को देता है क्या, नहीं बोलता नहीं मेरे जान जाएगी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसको ऊपर से इतना दबाव था। तो कहता नहीं देगा, वो कहते नहीं देगा, नहीं मैं मरूंगा लेकिन मैं नहीं दे सकता। तो बाद में बोला क्या तो आग नहीं देगा तो मैं नहीं जलूंगी, देख मैं अभी जल जाती हूँ। तो उसने कर्पूर उठाया, हाथ में लिया, हाथ में लेके और अपने पति के कान में कुछ कहा, उसको देखते देखते उसने आग लग गई। देखो प्रतिबद्धता का भाव, कर्पूर जलने लगा और घी पहले आग लगाया था, सब जगह लगा लिया और देखते देखते एकदम लपट ऊपर उठी और दोनों मुर्दा और उसका शरीर चलने लगा और वो आराम से हंसते हुए बैठ गए और सब हार श्रृंगार करके सुना भी। तो कहते इस तरह से बाद में कलेक्टर ESP को मालूम हुआ, प्रेसिडेंट की तरफ से फोन किया था, वो आते आते ही चल गए। तो बाद में उन्होंने इनको डांटा कि तुम क्यों जल दिया, तो गाँव में भी कायम की गलती नहीं, इसको भी इस तरह से परेशान किया उसने, वो सती है। तो बाद में गवर्नमेंट को बड़ा आश्चर्य हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और बाद में जो ESP था, कलेक्टर थे, ये हिंदू थे, तो इन्होंने वहां पे उसको मंदिर बनवाया जामा जली और उसकी समाधि बना के रात मंदिर गढ़ के समाधि बना के आज वहां लोग जाकर पूजा करते हैं जय जी का। तो कहते हैं कि भाई प्रतिव्रता गुरु व्रता, प्रतिव्रता वो भी एक भक्ति है, अपने पति को परमात्मा समझना, पति के अलावा और किसी को नहीं देखना। जो कहते हैं कि वो भी एक भक्ति है, उससे भी इसके अंदर विद्या सिद्धि आ जाती है, पावर आता है। तो पहले लोग उसका पालन करते थे लेकिन गवर्नमेंट ने उसे बंद करते हैं, क्योंकि वो तो मर गया, तुम क्यों मरते हो उसके बीच, ये इतना सुंदर समय परमात्मा ने दिया है इसको क्यों बर्बाद करता। तो इस तरह से आज वहां पर उसके मंदिर बने हैं और उसकी पूजा भी होती है। तो कहते हैं कि ऐसे ही भक्ति कोई भी हो, अगर भक्ति सच्चे विश्वास प्रेम और श्रद्धा से करते हैं तो हमें जरूर फल मिलता है। धूप दीप होती है, गुरु प्रकट हो जाता है और गुरु के कृपा से
देखा होता है, चारों तरफ ज्योति ज्योति लगती है, वो सच्ची आरती है। और ऐसी आरती जो करते हैं वो इसी जन्म में सब लोग सत्संग करते हैं, जो कहते हैं आरती की बुद्धि है।